हेलो गाइस, i7. तो गाइस, आप लोग ने पिछला वाला वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिया ना, और गाइस आप लोग ने क्या ही कमेंट किया, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, और आप लोग के वजह से ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग हैं 1.01 के सब्सक्राइबर पे। तो आज हमारा सब्सक्राइबर गोल होने वाला है 1.03 के। तो गाइस, अब लोग अगर इस वीडियो में नए आए हो और अगर वीडियो को देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा एक्साइटिंग न्यूज़ मिलने वाला है गेमिंग के रिलेटेड और गेमिंग डिवाइस के रिलेटेड। चलिए गाइस, अब वीडियो का मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है जितना भी पीसी गेम्स है अभी तक रिलीज़ हुआ है वो, तो कौन कौन सा पीसी गेम्स का 2021 में मोबाइल वर्जन आने वाला है। तो हम लोग वही सारे गेम्स का बात करेंगे जो मोबाइल में आने वाला है और जिसका कॉम्पिटिटिव फ्यूचर होगा, मतलब वो गेम गेम भी रिलीज़ होगा 2021 में और रिलीज़ होने के बाद मोबाइल में उसका कॉम्पिटिटिव भी आएगा, जैसे पबजी मोबाइल का था। तो वही सारे गेम्स के बारे में हम लोग इस वीडियो के आगे बात करते रहेंगे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस लिस्ट का जो थर्ड पे है वो है वेलोरेंट, जो कि जून 2020 में रिलीज़ हुआ था। तो गाइस, आप लोगों को अगर इस गेम के बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूँ गेम किस टाइप पे है। तो अगर कभी आप लोग ने CS खेले हो, काउंटर स्ट्राइक, तो ये गेम बेसिकली काउंटर स्ट्राइक जैसा ही है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक के साथ भी और थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स है जो इस गेम को यूनिक बनाता है। बहुत बहुत सारे एक्साइटिंग एक्साइटिंग फीचर्स हैं। अभी फ़िलहाल में बहुत सारे पबजी मोबाइल के स्ट्रीमर इस गेम को स्ट्रीम कर चुके हैं, और सब लोग अगर पबजी मोबाइल का कोई स्ट्रीमर दूसरा गेम स्ट्रीम करता है तो इतना व्यूज़ नहीं आता, लेकिन अगर वेलोरेंट स्ट्रीम करता है तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता है, क्योंकि इस गेम को खेलने का मज़ा बहुत ही आता है और देखने में बहुत मज़ा आता है इस गेम प्ले को। सीरियसली बता रहा हूँ, इस गेम को मतलब चुम्मा गाइस, ये गेम जो बनाया ना, मस्त बनाया। और अगर 2021 में जब ये गेम रिलीज़ होगा तब इसका कॉम्पिटिटिव 100% 101% आने वाला है। अगर मोबाइल में ये गेम कभी आ गया, आप लोग इसे ग्राफिक्स ही पता कर सकते हो क्या मस्त होने वाला है अगर जब भी ये गेम रिलीज़ होगा इंडिया में। तो चलिए गाइस, हमारा थर्ड गेम यही था। अब बात करते हैं हमारा जो सेकेंड नंबर पर जो गेम है उसके बाद। तो इस लिस्ट का जो सेकंड नंबर पे गेम है वो है एपिक्स लेजेंड। तो अगर आप लोगों को पता नहीं किस टाइप का गेम है, तो गाइस ये एक बैटल रॉयल गेम है, पबजी से थोड़ा अलग है, लेकिन मतलब इसका कॉन्सेप्ट और ग्राफिक्स थोड़ा पबजी से अलग है, बैटल रॉयल ही है। और इसका अगर ग्राफिक्स देखो तो आप लोग देख ही सकते हो कितना मस्त ग्राफिक्स है। तो जब इसका इसका भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव लेवल होता है पीसी में भी, लेकिन जब ये गेम मोबाइल में आएगा ना गाइस, तो इसका भी कॉम्पिटिटिव आने वाला है। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्ट हो तो इस गेम को ज़रूर ट्राई करना जब 2021 में ये गेम रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो मज़ा आएगा गाइस ये गेम खेलने में भी। तो चलिए गाइस, हम लोग का नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते। तो गाइस, इस लिस्ट में जो टॉप पर गेम है वो है लीग ऑफ लेजेंड्स का वाइल्ड रिफ्ट। तो गाइस, लीग ऑफ लेजेंड्स का मोबाइल वर्जन को लेकर बहुत सारा चर्चा हो रहा है, ये गेम कब रिलीज़ होने वाला है, और सबके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस गेम के रिगार्डिंग। तो गाइस, आप लोगों को बेसिकली बता देता हूँ लीग ऑफ लेजेंड्स कैसा टाइप का गेम है। तो बेसिकली गाइस, ये एक मोबा गेम है जो 5v5 होता है। आप लोगों को एक मैप दिया जाता है, उस मैप के अंदर आप लोगों को मतलब 5 बंदे रहते हैं, और 5 बंदे एक एक स्पेशल कैरेक्टर को हैंडल करते हैं, और वो दोनों के बीच में फाइट होता है, दोनों टीम के बीच में, और जो टीम उसका घर को डिस्ट्रॉय कर देता है वही टीम जीत जाता है। मतलब बेसिकली आपको ओपोनेंट को हराना है और उसका जो घर होगा उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसी के रिगार्डिंग ये गेम है। और अगर आप लोग पहले भी अगर LOL खेले हो तो आप लोग को पता ही ये गेम कैसा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा मोबा गेम भी था इंडिया में लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन लीग ऑफ लेजेंड्स एक ऐसा गेम है जो ऑलरेडी PC की दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बना चुका है। तो इसका अगर मोबाइल वर्जन आएगा तो इंडिया तो ऑब्वियसली गाइस ट्राई तो करेगा, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटिव होने वाला है गाइस, ये गेम जब भी रिलीज़ होगा ना, इसका कॉम्पिटिटिव लेवल फाड़ देगा, पबजी से भी ऊपर जा सकता है ये गेम कॉम्पिटिटिव में जब होने वाला है। और अगर इस गेम में कॉम्पिटिटिव हुआ तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस पबजी का कॉम्पिटिटिव लेवल इस लेवल का था कि उसको उस गेम को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया था। सब लोग पबजी मोबाइल के अंदर अपना करियर देख रहे थे, तो इस गेम के थ्रू भी आप लोग देख सकते हो अगर इस गेम जब भी पॉपुलर होगा। NTT सीड ने भी आज ही एक वीडियो डाला है गाइस, आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके तो NTT सीड का भी वीडियो जाके एक बार देखो। उसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मोबा गेम चलता है, कैसे हैंडल होता है, कैसे LOL गेम खेला जाता है। आप लोग एक बार प्लीज़ उनका गेम चेकआउट कर लीजिए। और NTT सीड बहुत चाहता है कि ये गेम इंडिया में वही क्रेज़ लाए जो पबजी ने लाया था। तो चलिए गाइज, आज तक का वीडियो हमारा इतना तक ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा।
तो और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, हम लोग 103K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।